ये दुनिया ना बड़ी मजाक की है। अब हमारा ही केस देख लो, हमारे बाबूजी ने हमारा नाम रखा रानी, पर हमारी पैदाइश एक बहुत ही छोटे गांव में हुई है। महल के नाम पर 10x10 की छोटी सी कुटिया में रहते हैं और खाने के बाद मीठे के नाम पर पास वाले बाग के आम चुरा कर खाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे मॉडर्न नहीं है, पर हाँ गणित में अच्छे अच्छे को धूल चटा सकते हैं हम। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ता है और हमारी सोच बिल्कुल हमारी तरह है, जमीन से जुड़ी हुई। ना ही किसी से जलते हैं, ना ही किसी से बैर रखते हैं, ना ही दुश्मनी और ना ही प्यार, क्योंकि प्यार तो हमारे बाबूजी से करते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा। आप जानते हैं बचपन से लेकर आज तक हमारे बाबूजी ने कभी हमसे ऊंची बात में बात नहीं की, ना ही कभी हमें मारा है। साल में एक महीने के लिए गांव आते हैं, पर जब भी आते हैं ना हमें अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं और इस पूरे गांव के चक्कर लगाते हैं हमारे साथ। शहर के सबसे बड़े खानदान के सबसे बड़े घराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बाबूजी पर। सब लोग राम राम तो करते ही हैं, साथ में सलाम भी ठोकते हैं हमारे बाबूजी को, इतनी इज्जत कमाई है उन्होंने। और हम भी बिल्कुल हमारे बाबूजी की तरह बनना चाहते हैं, ईमानदार और खुददार। और जहां किसी ने ज्यादा बकबक की ना तो उसको लगाएंगे कान की से जा, क्योंकि हमें भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, पर हाँ हमारी परवरिश बिल्कुल रानियों की तरह हुई है, इसलिए दोनों ही पक्ष की कहानी को हम बेहतर तरीके से जानते हैं। और ये मैट्रिक्स के सवाल तो हम यूं चुटकियों में हल कर सकते हैं। आर्यभट्ट से लेकर रामानुजन सब जानते हैं रानी को, पर कमबख्त है रोटी हमसे गोल क्यों नहीं बनती। अब क्या ही फर्क पड़ता है ना, रोटी गोल बने या चौरस, मतलब तो खाने से। बस इतनी सी है हमारी जिंदगी, हम बाहरी दिखावे में नहीं जाते, पर इंसान के दिल में क्या है वो हमारे लिए मायने रखता है। अब देखिए ना, हम कितना ज्यादा बोलते हैं, हम गैस पर दूध चढ़ा कर आए थे, चलिए हम निकलते हैं, जय धरा देवी की।